तो सबसे पहले न्यूज नाइट में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अहम बैठक हुई, जिसमें तीन बड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, और इसमें एश्योर्ड पेंशन की राशि रिटायरमेंट के 12 महीने की बेसिक पे की 50% होगी और न्यूनतम पेंशन की राशि 10,000 रुपए होगी। की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं वो भी देखा, फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए, और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। और केंद्रीय कैबिनेट ने बायो E3 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। इसके तहत बायो टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने आज तीन बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायो टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है।